नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स के इस यूट्यूब चैनल में मैं विकास बोपिनवार आप सबों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जी पैट संडे क्वीज के पार्ट 83 को देखने जा रहे हैं दोस्तों। तो चलिए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखो यहाँ पे पूछा है, फ्लुमाजेनिल इज बेंजोडाइजेपाइन्स एंटागोनिस्ट, ठीक है। द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर फ्लुमाजेनिल इज, तो इस फ्लुमाजेनिल जो बेंजोडाइजेपाइन का एंटागोनिस्ट है, तो इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बताइएगा। तो ऑप्शन में देखो, इंट्रावेनस, सबक्यूटानियस, इंट्रामस्कुलर या फिर ऑल ऑफ द अबो। तो मैं आपको बता दूं, फ्लुमाजेनिल के लिए रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ आईवी होता है, इंट्रावेनस ओनली। तो ऑप्शन ए सही करना है। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक को ध्यान में रखिएगा। देखो फ्लुमाजेनिल में तो फ्लेम आता है, तो ये फ्लेम है और फ्लेम से समझिएगा यूवी लाइट जा रही है ना। तो यूवी को हम अगर थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट बनाए तो ये आईवी बन जाएगा। तो ये आईवी से इस इंट्रावेनस को याद रख लेना, या फिर आई विजन से हम उसे देख रहे हैं, आई विजन से वी होगा, तो आई वी से हम उसे देख रहे हैं। तो ये फ्लुमाजेनिल जो है वो आईवी से दिया जाने वाला ड्रग है दोस्तों, ठीक है। ओनली वन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज द आईवी फॉर फ्लुमाजेनिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, 5-HT इज एब्रीविएशन फॉर सीरोटोनिन एंड इट मींस। देखो ये 5-HT तो सभी को पता है, सीरोटोनिन रिसेप्टर, सीरोटोनिन को दर्शाने के लिए हम लिखते हैं, लेकिन इस 5-HT का मतलब क्या है वो बताना है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में दिया है, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन, 5-हाइड्रोक्सीटायरोसिन, 5-हाइड्रोक्सीटायरामाइन या फिर 5-हाइड्रोक्सीट्रांसफरेज। बहुत ही बेसिक लेवल का सवाल है, लेकिन इस टाइप में अगर पूछा जाए तो कंफ्यूज भी हो सकता है। तो याद रखिएगा, ये 5-HT जो है 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन को दर्शाता है दोस्तों, ठीक है, जिसे सीरोटोनिन बोला जाता है। तो 5-HT रिसेप्टर यानी सीरोटोनिन रिसेप्टर, तो इसका मतलब 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन। तो ये देखो, ये हमने इसका जवाब देने का ट्राई किया है, तो ये ट्राई से याद रखिएगा, 5-HT, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, ड्रग विच लैक्स एंटी कन्वल्सेंट एंड मसल रिलैक्सेंट एक्टिविटी, ऐसे ड्रग बताइए जो एंटी कन्वल्सेंट एंड मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टी को ना बताए, ठीक है, ना दर्शाए, जिनसे ये एक्टिविटी नहीं मिलती हो, ऐसे ड्रग बताना है। तो ऑप्शन में दिया है, बसपायरॉन, जोलपीडेम, जालेप्लॉन या फिर ऑल ऑफ द अबो। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, ये ऑल ऑफ द अबो करना है, क्योंकि ये सारे ड्रग जो है इनमें एंटी कन्वल्सेंट एंड मसल रिलैक्सेंट एक्टिविटी जो है वो अब्सेंट होती है, ठीक है। तो इसको याद कैसे रखोगे, देखो ये झोल झाल झेड़पी की बस में मिस्टर फिट नहीं जाते। अब इसको कैसे हो गया, ये झोल झाल, देखो ये झोल है, ये झाल है ना, और इसमें पी आता है ना, ये पी आता है, तो ये झेड़पी हो जाएगा, ये झेड़पी ड्रग से हम याद रखते हैं इसको, झोलपीडेम, झालेप्लॉन। देखो ये बेंजोडाइजेपाइन के ड्रग नहीं है, अदर देन बेंजोडाइजेपाइन्स ड्रग है, ठीक है, जो हमारे स्लीप को इंड्यूस करते हैं। तो ये झेड़पी ड्रग, झोल झाल ड्रग, तो झोल झाल बस में, बस यानी क्या, बसपिरोन, तो ये बस में मिस्टर फिट नहीं जाते। मिस्टर यानी क्या होगा, मसल रिलैक्सेंट, और फिट से क्या याद रखना है, ये कन्वल्जन से रिलेटेड है, तो ये एंटी कन्वल्सेंट करके एक्शन नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये तीन ड्रग को याद रखिएगा, ये यमर एंड एंटी कन्वल्सेंट, मसल रिलैक्सेंट एंड एंटी कन्वल्सेंट एक्टिविटी प्रॉपर्टी नहीं बताते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स हैव बीन रिगार्डेड एज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रेन विथ रिकरेंट फेब्राइल सीजर्स। देखो ड्रग ऑफ चॉइस बताना है हमें ट्रीटमेंट के लिए यंग चिल्ड्रन विथ रिकरेंट फेब्राइल सीजर्स के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो, डायजेपाम है, क्लोरडाइजेपॉक्साइड है, फिनोबार्बिटल और एसजोपिक्लोन है। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों, ये फिनोबार्बिटल, ठीक है, फिनोबार्बिटल को याद रखिएगा। आप कैसे याद रखोगे इसको, देखो यहाँ पे फिनोबार्बिटल का फोन है, चिल्ड्रेन में जो सीजर आ रहे हैं वो उसको इस यहाँ पे लिखेंगे चिल्ड्रेन, और ये सीजर्स, ठीक है, सीजर्स को हम बोलेंगे एक्साइटेड। तो चिल्ड्रन जब भी फोन पे बात करते हैं तो काफी एक्साइटेड होते हैं, वो कूद कूद के बात कर रहे हैं, ठीक है, उसके कूदने को आप सीजर टाइप समझ, वो कन्वल्जन को समझिएगा। तो ये आप याद रख सकते हो कि चिल्ड्रन में होने वाले जो सीजर्स है, रिकरेंट फेब्राइल सीजर्स, उसमें हम फिनोबार्बिटल को दे सकते हैं, ठीक है, ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है इसमें। तो इस तरीके से याद रखिएगा, जो बच्चों का कूदना होता है उसको आप सीजर कंसीडर करिएगा, और वो बच्चा फोन पे बात कर रहा है, तो फिनोबार्बिटल ड्रग जो है वो चिल्ड्रन जो है रिकरेंट फेब्राइल सीजर्स के साथ में, उसमें ये ड्रग ऑफ चॉइस करके काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो पूछा है, ड्रग विच आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट्स विद द एक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फीरियाइज,
एक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फीरिया में कौन सा ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, बेंजोडाइजेपाइन, बारबिट्यूरेट, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो कौन से ड्रग नहीं देने चाहिए एक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फीरिया में? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, बारबिट्यूरेट्स। ठीक है, इसके लिए भी ट्रिक बनाया है। देखो बारबी, बारबी को आप उस तरीके की डॉल को समझिएगा जो भूत प्रेत के लिए लगाई जाती है ना, किसी की नजर ना लगे इसके लिए लगाई जाती है। इस टाइप की डॉल होती है उसको हम बारबी कहेंगे, जो बारबिट्यूरेट को दर्शाएगा। और ऐसी बारबी क्यों लगाते हैं हम? फॉर फियर, फॉर फियर के लिए, है ना, डर को भगाने के लिए। तो फॉर फियर, तो फॉर फियर से आपको फॉरफिरिन याद आ जाएगा। तो बारबिट्यूरेट्स क्या होते हैं ये, हम पॉर्फिरिन का लेवल बढ़ाते हैं दोस्तों। ठीक है, फियर का लेवल बढ़ाते हैं बच्चों को, इसको इसको देख के बहुत डर लगता है, ऐसी डरावनी बारबी लाओगे तो डर जाएगा। तो ये फॉर फियर यानी बारबिट्यूरेट ड्रग पॉर्फिरिन का लेवल बढ़ाते हैं, इसीलिए ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है एक्यूट इंटरमिटेंट पॉर्फिरिया के केस में। ठीक है, जो एकदम से पॉर्फिरिया का लेवल बढ़ जाए तो वहाँ ये ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड होंगे, बारबिट्यूरेट्स वाले। नेक्स्ट यहाँ पे है क्वेश्चन, देयर इज नो स्पेसिफिक एंटीडोट इज अवेलेबल फॉर बारबिट्यूरेट। देखो बारबिट्यूरेट का कोई भी एंटागोनिस्ट अवेलेबल नहीं है, स्पेसिफिक कोई भी नहीं है, बट द एलिमिनेशन ऑफ फिनोबार्बिटल ऑफन एड्स बाय। देखो एलिमिनेशन ऑफ फिनोबार्बिटल फिर भी हम बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ाएंगे, क्या तरीका होगा वो बताइएगा। ठीक है, देखो बेंजोडाइजेपाइन का तो एंटागोनिस्ट है, क्या है, फ्लुमाजिनिल, लेकिन बारबिट्यूरेट्स के लिए ऐसा कोई स्पेसिफिक एंटीगोनिस्ट नहीं है, इसके लिए हम फिनोबार्बिटल जब देते हैं बारबिट्यूरेट टाइप का ड्रग, तो इसका एलिमिनेशन हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसका क्या तरीका होगा? ऑप्शन देखो, अल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन, एसिडिफिकेशन ऑफ यूरिन, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ यूरिन, या फिर बोथ ए एंड बी ओनली। ठीक है, तो इसमें सही जवाब होगा दोस्तों अल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन। अल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन से हम फिनोबार्बिटल का जो एक्सक्रीशन है, एलिमिनेशन है, उसको बढ़ा सकते हैं और पेशेंट को जो भी बारबिट्यूरेट्स के साइड इफेक्ट्स है उससे बचा सकते हैं। तो इसको याद कैसे रखोगे? देखो अल्का जो है यूरिनेशन के लिए जब जाती है तो उसके हाथ से उसका फोन गिर गया, है ना, अलका से यूरिनेशन करते टाइम फोन जो है वो गिर गया, यानी क्या, यूरिनेशन में फिनोबार्बिटल चला गया, और अलका यानी क्या, अल्कलाइजेशन। ठीक है, इस छोटे से ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, सिलेक्टिव एगोनिस्ट फॉर मेलाटोनिन रिसेप्टर। ठीक है, सिलेक्टिव एगोनिस्ट ऑफ मेलाटोनिन रिसेप्टर की बात चल रही है, इसका एग्जांपल बताइएगा। ऑप्शन देखो, बसपायरॉन दिया है, एसजोपिक्लोन दिया है, जालेप्लोन और रामेल्टॉन। बहुत ही सिंपल जवाब है यहाँ पे, रामेल्टॉन को आप पढ़ोगे तो इसमें आपको मेलेटोनिन दिखाई देगा, मेलेटोनिन, है ना, तो ये मेलेटोनिन से आपको इसी आंसर को टिक करना है। ठीक है दोस्तों, बस पिरोन जो है वो डोपामाइन रिसेप्टर से काम करेगा, सिरोटोनिन रिसेप्टर से काम करता है। ठीक है, और ये जो दो ड्रग दिख रहे हैं आपको, जालेप्लोन, एसजोपिक्लोन, ये बेंजोडाइजेपाइन रिसेप्टर पर जाकर ही काम करते हैं, BZ1 को अटैच होकर के काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, जोलपीडेम भी इसी में आएगा। और हाँ दोस्तों, हमारी फार्मा नोट्स की जो लाइफ टाइम PDF मेंबरशिप है उसको आप लोगों ने आज ही ज्वाइन करना है बाय कंट्रीब्यूटिंग ओनली 999 रुपीज़। और ये भुगतान आप कोई भी ट्रांजेक्शन ऐप जो है ऑनलाइन उसका इस्तेमाल करके कर सकते हो, जैसे गूगल पे हुआ, फोन पे, या फिर पेटीएम। और इसके लिए आप हमारा मोबाइल नंबर भी नोट कर लीजिएगा, 8087339648 पर। जैसे ही आपका ट्रांजेक्शन हो जाता है आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से लिंक किया जाएगा, जहाँ पे आपको ये सारा मटेरियल PDF के फॉर्म में मिलता रहेगा दोस्तों, और उसे वीकली बेस पर अपडेट भी किया जाएगा। ठीक है, तो जल्द से जल्द अपने दोस्तों में इसे शेयर करिएगा ताकि बहुत सारे लोग इसका फायदा उठा सके दोस्तों, और आपको भी बहुत सारा प्रिपरेशन में फायदा हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पूछा है, प्रोलैक्टिन लेवल इंक्रीज बाय, प्रोलैक्टिन का लेवल कौन बढ़ाएगा? ऑप्शन में देखो, बसपिरॉन है, रेमल्टॉन है, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ाने वाले ये दोनों भी ड्रग है दोस्तों, बसपिरॉन भी और रेमल्टॉन से भी प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ता है। तो यहाँ पे बोथ ऑफ दिस सही होगा। और याद रखने के लिए छोटा सा टेक्निक, यहाँ पे देखो ट्रिक को देखो, प्रोलैक्टिन में कहीं ना कहीं ओला आ रहा है, और ओला का सबसे सभी को पता है, इसका ट्रैवलिंग का कार होता है, तो उसको हम बस बोलेंगे, बसपिरॉन का बस, और ये रेमल्टॉन की राम की टून, है ना। तो ओला की बस में राम की टून बज रही है, ओला की बस में राम की टून बज रही है, उससे थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है। नींद आ रही है मतलब क्या होगा, थोड़ा सा सिलेशन होगा, बस पर से माइल्ड सिलेशन होता है, लेकिन रामिल्टोन से अच्छा खासा सिलेशन हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम आ रहा है दोस्तों, तो मैं आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट टाइम डिस्कस करूंगा आपके साथ में। तो आप लोगों से दरखास्त है कि आप लोग हमारे चैनल को जल्द सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स।
थैंक यू।